एससी से लेकर एलएसी तक जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि पिछले कुछ समय में चाइना दुनिया भर के लिए एक मुसीबत का सबब बन चुका है। कोई देश चाइना से व्यापार नहीं करना चाहता तो कुछ इनकी अनैतिक नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। जहां इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, वहीं हमारे देश को कोरोना के साथ साथ चीन द्वारा की गई बदमाशियों से भी डील करना पड़ रहा है। ऊपर से मीडिया ने तो जैसे सच दिखाना ही बंद कर दिया है, नहीं तो जून में होने वाले 20 जवानों की शहादत की पृष्ठभूमि कई महीनों से तैयार हो रही थी और हम सबको इन्होंने किस में उलझाए रखा, कभी तबलीगी जमात तो कभी सुशांत सिंह ने। लेकिन दोस्तों, हमारा शौक आपको उलझाना नहीं है, सीधे सीधे कंपेयर करेंगे आज इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर को और जानेंगे कि युद्ध होने की स्थिति में कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो ये जानने के लिए कि रफेल फाइटर जेट्स के आने से क्या हमारा पलड़ा चीन से भारी हो जाएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। स्वागत है आप सभी का द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों, इन दोनों बड़े परमाणु देशों की पावर कंपेयर करने के लिए हमें इन दोनों की जमीन, पानी और हवाई ताकतों के बारे में जानना होगा। लेकिन हथियारों की बात करने से पहले हम बात करते हैं दोनों देशों की जनसंख्या की। जनसंख्या के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा देश भारत। ऐसे में अगर इन दोनों देशों में से कोई भी युद्ध की तरफ बढ़ता है तो ऐसा करके वो दुनिया की 37% आबादी को युद्ध में धकेल देगा। वहीं अगर एरिया की बात करें तो चाइना नंबर 4 पर है और भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में नंबर 7 पर आता है। बात करें डिफेंस बजट की तो बता दूं कि भारत का डिफेंस बजट 71.1 बिलियन US डॉलर्स या फिर 5.3 लाख करोड़ है, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। लेकिन दोस्तों, चाइना का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा है, 261 US डॉलर्स टू बी एग्जैक्ट, जो होते हैं 19.5 लाख करोड़ रुपए। मिलिट्री पावर के हिसाब से ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो यूएस और रशिया के बाद चीन दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है और भारत चौथा। और अब सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे इन दोनों देशों की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री फोर्स की। बात करें अगर मिलिट्री फोर्स की तो चाइना ने हमेशा से ही अपनी मिलिट्री की ताकत को बढ़ाने पर जोर दिया है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक चाइना के पास 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय सैन्य बल यानी कि एक्टिव मिलिट्री फोर्स है। इस एक्टिव मिलिट्री फोर्स में 21.8 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। तो वहीं हमारे देश भारत के पास 14.4 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। लेकिन अगर हम रिजर्व फोर्सेस की बात करें तो इसमें इंडिया चाइना से आगे है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडिया के पास 21 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं और वहीं चाइना के पास सिर्फ 5,10,000। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी जानना चाहिए कि हाल ही के कुछ दशकों में चीन ने अपनी आर्मी स्ट्रेंथ को कम करने पर जोर दिया है। वो जानता है कि अब आने वाले समय में युद्ध जमीन पर चलने वाले सैनिकों से ज्यादा फायर पावर और हवाई ताकत पर निर्भर करेगा। लेकिन दोस्तों, साइज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इन आर्मी यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जहां चीन 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है, वहीं हमारी इंडियन आर्मी हमारे 7 पड़ोसी मुल्कों के साथ लगता 15,200 किलोमीटर लंबा बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है। न्यूक्लियर बम, दोस्तों किसी भी देश का सबसे बड़ा हथियार उसका न्यूक्लियर आर्सेनल होता है। तभी तो इसी परमाणु शक्ति के बूते नॉर्थ कोरिया से लेकर कर्ज में डूब रहा देश पाकिस्तान भी बड़े बड़े ताकतवर देशों को अपनी हेकड़ी दिखाते हैं। ऐसे में दोनों देशों के न्यूक्लियर पावर का कंपैरिजन करना भी जरूरी हो जाता है। हमारे देश के पास छोटे बड़े सब मिलाकर कुल 140 परमाणु हथियार हैं, तो वहीं चीन के पास 400 परमाणु हथियार हैं। यहाँ एक बात जानना भी जरूरी है कि हमारे देश के पास परमाणु हथियारों से जुड़ी वो सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे हम चाइना जितने परमाणु हथियार कभी भी बना सकते हैं। इसीलिए ये लगभग बराबर का ही मामला है। लैंड बेस्ड पावर, दोस्तों ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक भारत के पास 4,292 टैंक्स की तुलना में चीन के पास सिर्फ 3200 टैंक्स ही हैं। लेकिन चीन इन टैंक्स की जगह आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स को तवज्जो देता है, जो उनके पास 33,000 हैं। भारत के पास ऐसे सिर्फ 8,600 व्हीकल्स हैं। इतना ही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक चाइना के पास भारत से 10 गुना ज्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी
चाइना इंडिया को मात देता दिखाई देता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो इंडिया के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 900 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है। इन मिसाइल्स की जद में चीन के अधिकतर शहर आ जाते हैं। वहीं चाइना के पास अलग अलग प्रकार की कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हैं। इनके अलावा इंडिया के पास 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 4060 फील्ड आर्टिलरी है, तो वहीं चीन के पास 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3600 फील्ड आर्टिलरी है। ये तो हुई जमीन पर ताकत की बात। आइए अब बात करते हैं नेवी और एयरफोर्स की। नेवी दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में चाइनीज और इंडियन मिलिट्री ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी नेवी को मजबूत करने में ही किया है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मल्टी फ्रंट वॉर में री इन्फोर्समेंट और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज के लिए एक आधुनिक नेवल फोर्स की जरूरत होती है। जहां एक और चाइनीज नेवी के पास 714 वेसल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 51 फ्रिगेट्स, 35 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 35 कॉर्वेट्स, 68 सबमरीन्स, 220 पेट्रोल क्राफ्ट और 21 मिनी वॉरफेयर वेसल्स हैं, तो वहीं इंडियन नेवी के पास 295 वेसल्स, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 14 फ्रिगेट्स, 23 कॉर्वेट्स, 15 सबमरीन्स और 6 मिनी वॉरफेयर वेसल्स हैं। कागज पर भले ही चाइनीज नेवी इंडियन नेवी से बड़ी और ताकतवर लगती हो, मगर युद्ध के समय कम समय में हमला करने के लिए चाइनीज नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अपने नेवल बेसिस से इंडियन ओशन में प्रवेश करना होगा, जो उनके लिए एक चैलेंज साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के हबनटोटा पोर्ट को अपने कब्जे में लेने के बाद चाइना इसका स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल जरूर करेगा, जिस पर भी हमें नजर रखनी होगी। साउथ चाइना सी में वैसे ही अमेरिका सहित कई देश चीन पर निगरानी रखते हैं, ऐसे में नेवी उनकी कोई खासी मदद कर पाएगी ऐसा लगता नहीं है। और अब आखिर में बात करते हैं इन दोनों देशों की एयरफोर्स की, एयर पावर। दोस्तों आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हाल ही में इंडिया को फ्रांस से 5 रफाल एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मिली है, जिसने हमारे एयरफोर्स को और भी मजबूत बना दिया है। मगर क्या सिर्फ रफाल से इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स की बराबरी कर पाएगी? शायद आंकड़े आपको चौंका दे। चाइना के पास दोस्तों करीब 3000 फाइटर प्लेन्स और रिकॉनेसेंस प्लेन्स हैं, जबकि इंडिया के पास करीब 2000 फाइटर और रिकॉनेसेंस प्लेन्स हैं। लेकिन जब बात आती है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की, तो 5 रफाल फाइटर्स को मिला दें तो भी सुखोई 30 और मिग 29 जैसे कुल 400 के लगभग फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल है। तो वहीं चाइना की एयरफोर्स के पास J-10 और J-11 जैसे फाइटर प्लेन्स के अलावा रूस से खरीदे हुए सुखोई 30 और सुखोई 35 को मिलाकर लगभग भारत से डबल नंबर में मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और इनमें से अधिकतर चाइना ने खुद डेवलप करे हैं। और तो और हमारे पास एक भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन नहीं है, जबकि चीन के पास खुद के ही बनाए हुए 50 फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्लेन्स हैं, जो किसी भी तरह की सिचुएशन में बाजी पलट सकते हैं। चाइना का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडिया के कंपैरिजन में काफी बड़ा है। जहां एक और चाइना के पास एयरफोर्स के लिए 507 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं इंडिया के पास सिर्फ 346। मगर क्या सुपीरियर फाइटर प्लेन्स, मैसिव आर्मी और बेटर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से चाइना इंडिया को एक लंबी जंग में हरा पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि चाइना का अधिकतर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर साउथ चाइना सी की तरफ उनके ईस्टर्न फ्रंट पर डेवलप किया गया है, और युद्ध होने पर उन्हें इन सभी एयरक्राफ्ट्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 200-300 किलोमीटर की रेंज में डिप्लॉय करना होगा, जो कम समय में करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जहां चीन ने पिछले कुछ दशकों में इंडिया के साथ बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की तरफ कदम उठाए हैं, वहीं इंडियन एयरफोर्स का ज्यादातर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हिमालयन टेरेन में ही डेवलप्ड है, और कम समय में हम चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों पड़ोसियों के बीच आज के इस मिलिट्री पावर के कंपैरिजन को करने के पीछे हमारा उद्देश्य इन दो देशों के बीच जंग लगवाना नहीं है, बल्कि आप सभी के दिमाग में ये साफ करना है कि जब ये दो महाशक्तियां टकराएंगी तो परिणाम कितना विनाशकारी होगा। कोई जीते ना जीते इंसानियत हार जाएगी, और इतिहास में ये सबसे ज्यादा जानमाल का नुकसान करने वाले युद्धों में शामिल हो जाएगा। इसीलिए हमारी तो यही राय है कि बेवजह वॉर मॉन्गरिंग के इस धंधे का हिस्सा ना बने, क्योंकि हम सब बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान,
जब तक हम इनके साथ किसी शांति समझौते पर नहीं पहुंचते, एशिया के इस हिस्से की तरक्की यूं ही धीमी पड़ी रहेगी। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में सबके साथ साझा करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हिचकिचाए नहीं, जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।